इस बार तो मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही तुमने वो सारी चीजें बोल दी जो शानी को सुनने में अच्छी लगती। तुम्हारे साथ रह के मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि शानी कैसे सोचती है, वरना अपने हिसाब से बोलता तो वही बोलता जो तुमने आज गौरी को बोला। मुझे लगा था कि तुम वही बोलो, इसलिए इससे पहले कि तुम बोलते वो चीज मैंने बोल दी ताकि तुम्हारा बैड इंप्रेशन ना पड़े शानी। सच में यार, इन एनी अदर केस ना मैं यही बोलता कि तुमसे अच्छा ना शानी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चिरा? कहां शानी और कहां मैं? वो तो मुझे अपना अच्छा दोस्त मानती है, तो यही बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आगे से ऐसा अच्छा ठीक है नहीं बोलूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि शानी है कहां? पता नहीं एकदम से कहां गायब हो गई। मैं जानता हूं तू कहां गई होगी। अरे हट, मैं मर नहीं जाऊंगी। माँ की बच्ची, माँ जैसी शादी नहीं करूंगी और उसके साथ पढ़ाई करूंगी। सब नाटक था, नाटक प्लान था चिराग को फंसाने का, और वो चिराग गधेड़ा। वो कहते हैं ना, जब दिल आए गधे पे तो परी क्या चीज है। और बालकुनी, उसको तूने देखा कैसी इतरा रही थी। शक्ल क्या हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसकी। आज पहली बार एक फैसला हुआ जो मैंने नहीं लिया है। नहीं नहीं, ये शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एक बार उनकी कमजोर नब्ज मेरे हाथ में आ जाए नहीं तो पूरा पासा पलट दूंगी। कुछ खाने को दे दे बेटा, भगवान तेरी हर मुराद पूरी करेगा बेटा। कुछ खाने को दे दे बुड्ढे को। सॉरी काका, मेरे पास पैसे नहीं है। आगे से ऐसा नहीं करूंगा सर। तुम्हारी गलतियों से ज्यादा तुम्हारी उम्र हो रही है, कल से यहाँ की शक्ल मत दिखाना। आप जो मेरे ड्राइवर है ना रामदीन काका, उनके VRS के जो पैसे हैं, उनको डबल करके उनके अकाउंट में जमा करवा दो। हाँ मुझे पता है कि वो काफी खुददार किस्म के इंसान है, बिना वजह पैसे देता तो कभी नहीं लेते। पर मैं नहीं चाहता कि वो नौकरी कंटिन्यू करे क्योंकि उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती। आप तो चिराग मेहता के ड्राइवर है ना, आप तो बीमार थे और उसने आपको नौकरी से निकाला था ताकि आप अपना इलाज करा सके और रिटायरमेंट के पैसे भी दिए थे, वो भी डबल करके। फिर आप ही ऐसे यहाँ पर भी क्यों मांग रहे हैं? कौन सी दुनिया में रहते हो बेटा? कई महीने से उसने मेरी पगार नहीं दी थी, वो मेरी रिटायरमेंट के पैसे देगा, वो भी डबल करके। मेरे इलाज के लिए रिटायर नहीं किया था उसने, बस ऐसे 30 साल तक नौकरी की मैंने उनके यहाँ, बगैर गलती के निकाल दिया। ना मेरी वफादारी देखी, ना मेरी बीमारी। अरे जो नौकरों को पगार नहीं देते टाइम पर, वो मुझे रिटायरमेंट के पैसे क्या देंगे? वो जो हीरे मोती पहनते हैं ना, पता नहीं बेटा वो असली है कि नकली। अगर ये सच बोल रहे हैं तो क्या चिराग ने उस दिन जो फोन पे बात की थी वो सब एक नाटक था? ये कन्याकुमारी जल्दी करने ठाकुर जी को भी वेट करवाएगी क्या?
रमाड़ी रे, पापी लोग घर में बढ़ते जा रहे, तभी तो भगवान नाराज हो गया। ये गधेड़ी, मुहूर्त निकलने के बाद देगी क्या ये साड़ी? नहीं बाप, बस हो गई। एक भी सिलवट दिखनी नहीं चाहिए, मैं तो एक टांग पर खड़ा रख के इस्त्री कराऊंगी। अब मोढ़ू नहीं जो मारो कर। मारी रे। अम्बा, ये तुम्हारे लिए सोने का है, संभाल कर रख। लेकिन इतनी कीमती चीज। वक्त बदल गया है इस घर का अम्बा। कुछ लोगों को लगा था कि ईशानी शादी के लिए हाँ नहीं कहे, कोशिश भी किए कि ना बोले, लेकिन उनकी एक नहीं चली। आखिर चिराग और ईशानी की शादी पक्की हो ही गई और ये सब हुआ तुम्हारे बेटे रणवीर की वजह से। मैंने उसे भी कोशिश की बख्शीश देने की, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए उसकी जगह तुम इसे रख लो। लेकिन इतनी कीमती चीज। कीमती से ज्यादा ये हार लकी। जब मैं इस घर में नई दुल्हन बन के आई थी ना, तो मुझे ये हार मेरी सासू माँ ने दिया था। इसे पास रखने से हर मुराद पूरी हो जाती, मेरी तो हो गई, शायद इसे तुम्हारा कर्जा भी उतर जाए। आपके आपके बहुत बहुत आभार। आभार तो मुझे भगवान के मानने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बुरे वक्त में भी अच्छे लोगों का साथ दिया। मैं हर्षद और बच्चे बाबुलनाथ और सिद्धि विनायक मंदिर जा रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद से शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा। इससे सारा कर्जा उतार के मैं रणवीर और उसके बापू के साथ कहीं और चली जाऊंगी। एक नौकरानी के गले में मेरा हार। ए अम्बा, इधर दे, इधर दे वो हार। उतार, उतार ये हार। नहीं, मुझे बख्शीश मिला है। तेरी औकात नहीं है ये हार पहनने की। जल्दी उतार वरना गला काट कर ले लूंगी। अम्बा नहीं बा। अरे उतार। बोली ना तो जबान की सिलवटें भी निकाल दूंगी हमसे ना। वो माँ बेटी और ये माँ बेटा चंडाल चौकड़ी मेरी कुंडली में, सबको देख लूंगी सबको। पर इससे पहले तो उस रणवीर से निपट लूं।